हेलो, माय नेम इज श्रीदेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं सोहम शाह, एंड आपने इनका नाम सुना होगा क्योंकि उन्होंने फिल्में बनाई हैं, बहुत बड़ी भौकाली फिल्में बनाई हैं, जैसे काल, लक, एंड ही हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन फिल्म इंडस्ट्री। एंड अब मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि सब जानते हैं इनके बारे में, तो इनके मुंह से सुनते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो सोहम जी, वेलकम टू माई चैनल श्रीदेश सेज। कैसे थैंक यू शितेश, थैंक यू सो मच। हैं आप? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हम लोग बहुत बहुत टाइम पहले मिले थे एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू, और हाँ, सडनली बहुत आपका ये टाइम हो मैसेज गया। आया एंड मुझे याद था कि हम मिले थे। एंड यू ऑलवेज वेरी एंटरप्राइजिंग, सो जब आपने बोला ये वेंचर कर रहे हैं आप, तो मैंने बोला यार मजा आएगा। मुझे लगा था कि आप नहीं पहचान पाओगे, इसलिए मैंने मैसेज किया था, अपना नाम वाम लिख के, पूरा एसोसिएट प्रोफेसर ऐसा ऐसा करके पूरा मैसेज किया था। आपने लो इंट्रोडक्शन पहली की बार में बोला जरूरत। कि हाँ हम तो मिल चुके हैं। मैं कहा अच्छा, थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग मी। मैं उस टाइम भी क्यूरियस था और आज भी क्यूरियस हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म लाइन में आप कैसे आए, मतलब आपकी फैमिली में कोई फिल्म लाइन में था या फिर एक इंटरेस्ट था, कैसे शुरुआत की आपने फिल्म लाइन की? यार मेरी फैमिली में दूर दूर तक फिल्म लाइन में कोई नहीं था। हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स जो फिल्म लाइन में थे वो थिएटर में बैठ के फिल्में देखते थे, और कोई नाता रिश्ता नाता नहीं था फिल्म लाइन से। तो हम लोग हार्डकोर फिल्म बफ थे और फिल्में देखना पसंद था। हाँ तो मतलब मेरी फैमिली सब डॉक्टर्स है, डैड, मॉम, ब्रदर, भाभी, ये सब डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते। बट आई थिंक मैं छोटा था तब से वो सारे लोग फिल्में देखने का बहुत शौकीन थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम में और कोई मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट तो था ही नहीं। फ्राइडे को हाँ फिल्में रिलीज होती थी, बड़ी बड़ी फिल्में एंटरटेनर्स रिलीज होती थी, तो दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो जैसे हम सब फिल्म के फैंस होते हैं, उस तरह से हम लोग भी एक नॉर्मल फैमिली से ही थे जो फिल्में पसंद करते थे। आप उसके मुंबई से थे बाद बेसिकली या गुजरात से थे? बॉम्बे नहीं, मैं बॉम्बे से ही हूँ, से। बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे में ही हूँ। एंड क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम इस लाइन में कुछ करेंगे, खास करके उस टाइम पे। अब तो बहुत अच्छी बात है कि गुजराती बहुत आगे निकल चुके हैं फिल्म लाइन में भी। अच्छे अच्छे बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर्स है, राहुल ढोलकिया, हमारे हंसल मेहता, सब अच्छे अच्छे नाम, संजय बंसाली साहब। सो उस टाइम पे लेकिन गुजराती इस लाइन में बिल्कुल नहीं आते थे, और कोई आता भी था तो उन्हें बहुत ही डिस्करेज किया जाता था कि यार हाँ, अपना लाइन ही नहीं है, क्यों जा रहा है इसमें, टाइम वेस्ट क्यों दे कर वर रहा है। मोर बिजनेस ओरिएंटेड एंड स्टॉक्स इज ओरिएंटेड। हाँ, हाँ, मतलब पैसा आना चाहिए बात खत्म। आना चाहिए। उनको एक ही लैंग्वेज समझ में आती है भाई, हाँ पैसा आना चाहिए। और उस टाइम में किसी को ये डायलॉग नहीं समझ में आता था कि रिस्क है तो इश्क है, जो आज फेमस हो हाँ गया। लेकिन हम हाँ लोग वो उस टाइम के सब फिल्मी चावल थे जिन्हें रिस्क लेना था, तो हाँ हमने डिसीजन लिया कि क्या क्या नुकसान होगा आने से। हाँ नहीं सक्सेसफुल होंगे या नहीं काम बनेगा, कोई बात नहीं, पर जब तक कोशिश ना की जाए तब तक पता नहीं गाइड चलेगा। कैसे करें? सो दैट वाज द बैकग्राउंड। एंड मैं पढ़ाई में तो डेफिनेटली अच्छा था ही नहीं एकदम, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता था। आमिर खान सर ने पिक्चर बनाई डिसलेक्सिया पे, तो वो तब जाके पता चला कि अपने को भी डिसलेक्सिया ही था तभी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था पढ़ाई में। तो आई वाज अ बैड स्टूडेंट एंड पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो लकीली व्हाट हैपेंड, आई वाज अ गुड आर्टिस्ट एंड आई यूज्ड टू पेंट, ड्रॉ। सो समबडी टोल्ड माय फादर दैट आई थिंक ही विल डू वेल इन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर इसको कमर्शियल आर्ट्स में आप अरे, वो एडमिट। आपके पीछे भी एक पेंटिंग रखी है, आप ही ने बनाई है वो? जी, मैंने बनाई है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, तो आप मतलब अभी तक शौक आपका लगा हुआ है? हाँ, मैं पेंटिंग करते रहता हूँ क्योंकि इट्स समवेयर, इट्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर, इट्स लाइक अ रिलीफ। हम लोग इतनी चीजें करते हैं और कंसंट्रेशन, फोकस और स्ट्रगल, सारी चीजें एक साथ में होती है, तो पेंटिंग इज समथिंग वेयर यू डोंट हैव टू अप्लाई योर माइंड, इट्स समथिंग, इट्स लाइक एन आर्ट फॉर्म एंड यू जस्ट, आई जस्ट एंजॉय इट बिकॉज यू नो विथ कलर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मैं पेंटिंग रेगुलर करता हूँ एंड मैं अपने लिए करता हूँ। सो उस टाइम पे फिर मैं जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मुझे एडमिशन मिला, कमर्शियल आर्ट्स किया मैंने। तो कमर्शियल आर्ट्स इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग, तो वो 5 साल का जब कोर्स चल रहा था उसमें भी मेरा फोकस एक क्लियर था कि मैं एडवर्टाइजिंग यानी मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग से हटके मुझे फिल्म एडवर्टाइजिंग में ही जाना था, क्योंकि फिल्म का इंटरेस्ट हमेशा से था। तो ये नहीं पता था कि डायरेक्टर बनना है, बट फिल्म की एडवर्टाइजिंग करनी है ये सोचा था। उस टाइम में बहुत गंदे गंदे पोस्टर बनते थे, यू नो हाँ भयानक चेहरे बाहर आते थे, पीछे आग के गोले चल रहे थे, उस तरह के मसाला डोसा पोस्टर बनते हाँ थे। तो हाँ
मुझे ऑब्वियसली ये लगता था कि यार ये एक सेक्टर है, इसको क्यों सुधार नहीं रहे फिल्म इंडस्ट्री वाले। बड़ी फिल्में बन रही है, सब अच्छा हो रहा है, पर पोस्टर्स बहुत टैकी और बहुत ही मसाला डोसा पोस्टर्स बन रहे हैं। तो इसके ऊपर डेफिनेटली स्कोप है, इस पे काम किया जा सकता है। तो उस टाइम में राहुल नंदा और हिमांशु नंदा थे जो बहुत ही टॉप डिजाइनर्स थे, अभी भी और मेरे को टॉप पे अभी ही भी है। हाँ, है। एब्सोल्युटली कोई एब्सोल्युटली। भी फिल्म सो देखो उनका नाम दिखता ही दिखता मतलब दे आर पायनियर्स, दे आर लेजेंड्स इन दैट है। फील्ड। सो बट दे वर समबडी हु वर टू लुक अप टू बिकॉज दे वर डूइंग गुड वर्क। सो लकीली क्या हुआ, मैंने अपने आप को चैनलाइज किया उस लाइन में, और कॉलेज से निकलने के बाद जब मैंने अपनी खुद की एड एजेंसी बनाई, तो मुझे 3 साल के टाइम में मैंने कम से कम 30-35 फिल्मों की पब्लिसिटी डिजाइन की, और मेरे को बेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, बेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैं फोटोशूट्स डायरेक्ट करने लगा था, हाँ, तो कहीं पे वो डायरेक्शन का जो एक थॉट होता है, कीड़ा होता है, वो आई थिंक इस प्रोसेस में आना शुरू हुआ। बिकॉज इट आई यूज टू एंजॉय इट एंड आई डिडंट हैव टू पुट एफर्ट्स इन हैंडलिंग अ फोटोशूट, इन कंडक्टिंग द एक्टर्स, यू नो हाउ टू लाइक। फोटोशूट में भी आप कॉस्ट्यूम पे ध्यान देते हो, मेकअप, कॉस्ट्यूम, कॉन्सेप्ट, हर चीज। यू आर द डायरेक्टर ऑफ दैट डे, फोटोशूट के दिन के आप डायरेक्टर हो। डायरेक्टर भी आपको फुल फ्रीडम देता है कि सुबह आज तू कर ले तेरे हिसाब से, बिकॉज यू नो वॉट यू वॉन्ट टू डिजाइन। तो ये सारी चीजें हो रही थी, एंड देन इवेंचुअली वॉट हैपन दैट आई थिंक इन दोज 3 इयर्स आई रियलाइज दैट, एंड आई वॉज वेरी ऑब्वियसली यंग एट दैट पॉइंट, सो आई सेड दैट, एंड आई वॉज मेकिंग डिसेंट मनी, वेरी गुड मनी फॉर दैट टाइम इन दैट करियर। सो मैं बहुत ही सेफ जोन में था, फैमिली हाँ, और सबके हिसाब से तो मतलब सोचते सो हैं। सेटल हो गया कि अच्छा कमा रहा है और अच्छा बिजनेस सेट हो गया। हाँ, बट आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज मैं कम से कम 20 घंटे उस काम पे दे रहा था अपने, और 20 घंटे फोटोशॉप पे, डिजाइनिंग, ये वो सारी चीजें। पर मैं सोचने लगा था कि 5 साल बाद दिस इज गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड, क्योंकि हर आदमी फोटोशॉप सीख लेगा, हर आदमी को ये सॉफ्टवेयर, आज हमारे फोन पे ये सॉफ्टवेयर है सारे। हाँ, सो आई थॉट दैट यू नो आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी, एंड अगर ये मैं 20 घंटे और मेहनत करके किसी ऐसे काम में दू जहां मुझे रिजल्ट ज्यादा आए या मैं ज्यादा सेटिस्फाई हो सकूं क्रिएटिवली, तो आई वॉन्टेड टू गिव इट अ शॉट। सो सडनली वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि मैं ये बिजनेस बंद कर दूं और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन के देखूं, मैं डायरेक्शन सीखना चाहता था। हाँ, तो सबने बोला पागल हो गया है तू, मतलब ये रिस्क लेके। हाँ, बहुत मतलब एकदम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सबके साथ था कि यार अच्छा खासा धंधा तुम छोड़ के ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सारी चीजें। बट आई वॉज ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एंड मनी वॉज नॉट दैट प्रायोरिटी के यार क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड आई नेवर थॉट कि मैं किसी चीज के लिए आगे बढ़ूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि यार क्या होगा, मैक्सिमम नहीं बनेंगे डायरेक्टर तो वील ऑलवेज कम बैक टू एडवर्टाइजिंग, बट आई न्यू दैट समवेयर आई विल पुल इट ऑफ, आई विल सी हाउ इट गोज। और मैंने अपने आप को एक डेडलाइन भी दी थी कि मैं 2-3 साल असिस्ट करके देखूंगा, मुझे खुद को जवाब देना है कि क्या मुझ में है कि मैं डायरेक्टर बन पाऊंगा या स्टोरी टेलर बन पाऊंगा, या मुझे खुद को रियलिस्टिकली सोचना चाहिए कि मैं नहीं बन पाऊंगा। एंड लकीली मेरे बहुत बहुत अच्छे दोस्त बने इस लाइन में, कोमल नाहता जी जो आज भी टॉप बहुत मोस्ट बड़े रेटेड एनालिस्ट है, के हाँ, एस संजय हमारी लाइन के एक बहुत ही मतलब हाई लेवल के मैनेजर रह चुके हैं, बहुत टॉप स्टार्स के। तो इनके साथ मेरी दोस्ती थी, तो इन्होंने मेरा मीटिंग करवाया एक दिन करण जोहर से, और करण जोहर से मैंने डिस्कस किया कि मैं ऐसे असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। हाँ, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप इतना अच्छे डिजाइनर हो, आप अच्छा बिजनेस चला रहे हो, कि व्हाई डू यू वांट टू रिस्क योरसेल्फ, वही सारी चीजें उन्होंने भी बताई। तो मैंने उनको बोला कि यार मैं ये सब ना सोच रहा हूँ, ना मुझे ये पॉइंट डिस्कस करने हैं, मैंने डिसीशन ले लिया है, तो हाँ, या तो आप मुझे हायर कर लो, या तो मतलब मैं तो वैसे भी कहीं ना कहीं फिर और करने आया ही। चलेगा। तो ही आस्क्ड मी टू वेट फॉर 1 ईयर, एंड उन्होंने बोला मैं एक बड़ी फिल्म शुरू कर रहा हूँ और आप मेरे को 1 साल बाद, बीच में आप मेरे 3 महीने में एक बार, बिल्कुल मतलब बहुत बड़ा रिस्क था वो, कि उन्होंने बोला 3-4 महीने में एक बार रिमाइंडर दे देना। और करण जोहर आफ्टर कुछ कुछ होता है, मतलब ही वाज टुडे आल्सो इज द बिगेस्ट नेम, इट्स लाइक नॉट चेंज्ड, एंड दैट टाइम आल्सो ही वाज एट हिज पीक। सो ही सेड, आई डिडंट नो दैट ही इज मेकिंग कभी खुशी कभी गम, बट ही सेड कि 1 साल बाद आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने उस 1 साल में
अपने आप को चैनलाइज किया, मेरे सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स मैंने कंप्लीट किए, मैंने वो दुकान को बंद किया, उस ऑफिस को छोड़ दिया, एंड आई वाज रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि मतलब एक टाइम था जब मैं 1 लाख रुपया कमा रहा था महीने का उस टाइम पे, और यहाँ पे मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे 3,000 से शुरू करना पड़ा। हाँ, बट हैट्स ऑफ टू हिम ऑल्सो दैट उस 1 साल बाद भी उन्होंने कमिटमेंट रखा, उन्होंने मुझे हायर किया अपने साथ, और तो वहां से मेरी जर्नी फिर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू हुई। पहली फिल्म ही कभी खुशी कभी गम, मतलब इंडिया के हाँ, तीन मतलब के सुपरस्टार। पहली फिल्म ही कभी खुशी कभी गम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड उस फिल्म पे कम से कम 8 असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और ऑब्वियसली मैं अकेला था जो इस लाइन का नहीं था, बाकी सारे लोग इसी लाइन के थे कि कोई ना कोई फिल्म फैमिली से बिलोंग करते थे, और मैं इस फिल्म फैमिली से नहीं था, और लेकिन उस एक फिल्म पे शायद उतना सीखने मिला जितना लोगों को 3 फिल्मों पे ना सीखने ना मिले। सीखने को मिले। ऑल द टॉप सो टेक्नीशियंस यू आर वर्किंग विद। यस यस यस, किरण देवन सर हु वाज द डीओपी एट दैट पॉइंट, एंड बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडिया, अमित अमित जी, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ऑल द बिगेस्ट स्टार्स, सो इट वाज अ ह्यूज एक्सपीरियंस। हाँ, तो उसके बाद की फिर जर्नी कैसी रही आपकी? उसके बाद आपने फिल्म बनाने, मतलब उसके बाद और असिस्ट किया आपने, डिसाइड किया कि और असिस्ट कर। सो एक्चुअली उसमें हुआ था ये कि 2 साल निकल गए कभी खुशी कभी गम में, और मैं लास्ट डे ऑफ द शूट जब शूटिंग चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैंने क्या सीखा है, तो हाँ मुझे ये समझ में आ रहा था कि यार मुझे फिल्म मेकिंग अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। 2 साल हो गए, मैंने बड़े से बड़ी शूटिंग देख ली, बड़े से बड़े एक्टरों को शूट करते देख लिया, बट डायरेक्शन समझ में नहीं आया, बिकॉज इट्स नॉट दैट इजी टू ग्रास्प इट इन वन फिल्म। तो इंटरनल प्रोसेस है वो। एब्सोल्युटली, और दूसरा मैंने ये भी सोचना शुरू किया कि यार ना मेरे पिताजी यश जौहर है, ना यश चोपड़ा है, ना मेरे पास कोई ऐसे बड़े स्टार्स है, तो मैं डायरेक्टर बनूंगा कैसे? सो दैट इज व्हाट गेव मी अ थॉट दैट आई नीड टू लर्न डायरेक्शन एज अ क्राफ्ट, एज अ टेक्निक। मैं फैन था करण जौहर और यशराज की फिल्मों का, कि यार मैं ऐसी फिल्में बनाऊंगा, लेकिन जब मैंने असिस्ट किया तो मेरे को समझ में आया कि दैट इज नॉट मे बी माई जॉनर, बिकॉज इट इज नॉट इजी, यू नीड दैट लेवल ऑफ स्टार्स, यू नीड दोज लेवल्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स, यू नीड दोज लेवल्स ऑफ म्यूजिक सेंस एंड एवरीथिंग टू मेक अ ह्यूज हंड्रेड करोड़ बजट। फिल्म। या सो अगर मुझे फिल्म मेकर बनना है तो आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लेवल। सो आई डिसाइडेड एंड आई स्पोक टू करण जोहर, मैंने करण से बात की कि यार अगर आपकी परमिशन हो तो मैं चाहता हूं कि मैं एक और फिल्म पे असिस्ट करूं, बट वो धर्मा की फिल्म ना हो, क्योंकि निखिल अडवाणी की फिल्म शुरू हो रही थी, उस पर भी मुझे काम मिल रहा था, और भी एक दो तो फिल्में, तो मैंने सोचा कि मुझे इस जॉनर में और इस ही फिल्म मेकिंग में सीखना नहीं है, और मैंने कहा कि मुझे मैं राम गोपाल वर्मा जी के साथ सीखना चाहता हूँ, जहां पे क्योंकि कलोना वो छोड़ दी, इसीलिए कलोना सॉरी वो यू डिन डू। यस यस अच्छा। यस। तो मैंने मतलब निखिल से भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि निखिल मतलब मेरा ये रीजन है कि मैंने इसी जॉनर पे एक और फिल्म मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मैंने देख लिया ये फिल्म कैसे बनती है, बट आई वॉन्ट टू बी मोर टेक्निकली साउंड, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन अ फिल्म विच टीचेस मोर टेक्निक, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ क्राफ्टमैन, यू नो, नॉट ओनली गुड लुकिंग एक्टर्स एंड गुड लुकिंग इमोशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, आई वॉन्टेड टू लर्न द टेक्निक। सो दे सेड नो प्रॉब्लम, यू गो अहेड एंड सी व्हाट यू वांट टू डू, एंड दैट्स व्हेन आई मेट राम गोपाल वर्मा, एंड मैं उनके साथ भी पहले कुछ काम कर चुका था, तो उन्होंने मेरे को सीरियस नहीं लिया, उन्होंने बोला यार तेरे को जब चाहिए शूटिंग पे आके तू बैठ जा, मैं बोला नहीं सर ऐसे नहीं, मुझे असिस्ट करना है प्रॉपर, बोला ठीक है। फिर मुझे मौका मिला भूत फिल्म के ऊपर काम करने का, भूत, तो जहां एक कभी खुशी कभी गम ऐसी फिल्म थी जो बहुत बड़े बजट्स, सुपर डुपर प्लानिंग, प्रोडक्शन, पॉजिटिव फिल्म। हाँ हर चीज मतलब 100% परफेक्ट, वहीं पे हाँ मैंने भूत की, जहां पे राम गोपाल वर्मा सर का पूरा काम करने का तरीका ऑपोजिट रहता था, कि हाँ स्क्रिप्ट उनके सिर्फ यहाँ दिमाग में रहती थी, वो हाँ क्या शूट करना चाहते हैं उनको पता था, हमें कुछ नहीं पता था, और प्रिपरेशन भी बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मतलब एक एक हफ्ता, दो दो महीने पहले, 1 हफ्ते 10 दिन पहले चीजें फाइनल हो रही है, एंड वी आर गोइंग ऑन द शूट, सो आई गॉट टू लर्न अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, हाँ एंड ही इज अ जीनियस, एंड आई थिंक एक 15-20 दिन के प्रोसेस में आई स्टार्टेड एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज हाउ अ फिल्म कनेक्ट्स, दिस इज हाउ
एंड एडिट कनेक्ट्स, दिस इज हाउ अ स्टोरी इज टोल्ड. मतलब मेरे अंदर बहुत सारे चीजों का क्लैरिटी हुई मेरे दिमाग में, एंड मैंने उस शूटिंग के दौरान ही मेरी खुद की फिल्म लिखना शुरू कर दिया था. और मैंने डिसीजन ले लिया था कि आई डोंट नीड टू असिस्ट एनी मोर, आई विल मेक माई ओन फिल्म नाउ, हाँ. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग माई ओन फिल्म अलॉन्ग विद बुक. So, दो ही फिल्मों मैसेज किया आपने, जी, तो ही फिल्म. और एड्स वैड्स मैसेज नहीं करे थे उस टाइम में. नहीं, उस टाइम पे मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लियर था, मुझे फिल्म बनानी है, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे ना एड बनानी है ना मुझे कोई भी और चीज बनानी है. मतलब एकदम क्लियर था कि मुझे फिल्म बनानी है. और भूत के बाद मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी काल की, और जब मैंने काल की स्क्रिप्ट लिखी तब ऐसा हुआ था कि तो ये सॉरी, मैं पूछना चाहता हूँ, जब काल की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो दिमाग में था कि यू विल टेक ह्यूज स्टार्स? नहीं, नेवर नेवर. हाँ. सो बेसिकली मैंने जब भी काल लिखा तो मैंने क्योंकि मैंने राम गोपाल वर्मा जी के साथ भूत की थी, तो मेरे को यही स्कूलिंग की फिल्म बनानी थी जो बहुत ही लो बजट हो, हाँ. बहुत छोटे पैमाने पे हो, ताकि कोई उसपे फाइनेंस जल्दी से दे दे या बड़े स्टार्स की जरूरत ना हो. इसलिए प्रैक्टिकलिटीज, मैंने बहुत प्रैक्टिकली एक सोच के एक स्क्रिप्ट लिखी कि मुझे यार 2 करोड़ कोई दे दे तो मैं पिक्चर बना लूं, क्योंकि मुझे कौन देगा उससे ऊपर, क्यों क्यों मेरे पे स्टोरी पैसे लगाएगा. और उस टाइम, हीरो पे नए डायरेक्टर्स को ब्रेक्स मिलना यानी मतलब चमत्कार ही होता था. आज उल्टा हो गया है, नए लोगों को बहुत काम मिलता है और हो. नए लोगों को बहुत चांस मिलता है. उस टाइम पे नए आदमी के ऊपर पैसे लगाना या भरोसा करना, वो सिर्फ मतलब सच ग्रेट प्रोड्यूसर्स लाइक करण जौहर एंड ऑल कुड थिंक ऑफ. दे हैड द पावर टू डू इट एंड दे हैड द बिलीफ टू डू इट. सो मैंने काल लिखी, और जब मैंने काल लिखी थी तभी मैंने उसका एक आइडियल कास्टिंग सोचा था कि मुझे दो छोटे छोटे हीरो मिल जाए हु आर नॉट वेरी बिग नेम्स, एंड मुझे एक ना मतलब वो रोल मैंने नाना पाटेकर जी के लिए लिखा था जो काली का रोल था, कि हाँ. मुझे मतलब नाना पाटेकर मिल जाए तो मैं एक सॉलिड पिक्चर बना लूंगा, मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा, ऐसा सोच के मैंने काल बनाई थी काल लिखी थी. हुआ ऐसा था कि बाय चांस मतलब वो स्क्रिप्ट ऐसी थी जो मैं जिंदगी में करण जोहर को पढ़ा नहीं पाता था कि भाई मैंने ऐसी कोई जंगल की भूत प्रेत की जंगली फिल्म लिखी है, हाँ. क्योंकि उस तरह का जॉनर ना वो देखते ना पढ़ते ना कुछ. बट मैंने सोचा नहीं था मैं किसको दूंगा, मैंने हाँ. बस लिखा था, रेडी था. और उस टाइम राम गोपाल वर्मा जी के वहां पे हर लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर आदमी को ब्रेक मिल रहा था, हर आदमी मतलब अपनी डायरेक्टर बन बना रहा रहा है. था. तो मैंने बोला है, उस भीड़ भाड़ में मैंने रामू जी को भी वो स्क्रिप्ट पढ़ाई नहीं थी, मैंने अप्रोच नहीं किया था उनको कि यार इसमें अपना नंबर कब लगेगा, 40-50 लोग लगे हुए लाइन में. तो उस टाइम पे फिर करण ने मेरी, करण से वापस एक बार मीटिंग हुई. करण ने हाँ. बोला अभी क्या कर रहे हो बूथ में से, तो तुम फ्री हो गए, अब क्या प्लान है तुम्हारा. तो मैंने बोला करण मैंने एक छोटी सी फिल्म लिखी है, सो अभी देखता हूँ मैं कुछ करूंगा उसको लेकर ही, अभी आगे कुछ ट्राई करूंगा अभी. तो बोला कि अच्छा तुमने मेरे को तो दी नहीं पढ़ने को, तो मैं ही पढ़ूंगा वो. मैंने बोला नहीं नहीं आप तो पढ़ो ही मत, क्योंकि वो एकदम डिजास्टर हो जाएगा मेरे लिए, वो रिजेक्ट हो जाएगा ड्राफ्ट और मर जाऊंगा मैं, मतलब प्लीज मत पढ़ो. तो उन्होंने बोला नहीं, आई विल रीड इट. तो मैंने भगवान का नाम लेके उनको स्क्रिप्ट दे दी, हाँ. एंड टच वुड आफ्टर दैट इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग दैट ही लाइक द स्क्रिप्ट एंड ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस, एंड दैट्स हाउ काल स्टार्टेड, द जर्नी स्टार्टेड विद काल. और काल फिल्म आपने बनाई, फिर उसमें शाहरुख खान भी थे, अजय देवगन भी थे और सारे टॉप स्टार्स थे. सो आयरोनिकली यू वांटेड टू मेक अ स्मॉल फिल्म बट इट टर्न आउट टू बी अ ह्यूज फिल्म. Absolutely. Yes. I एंड wanted to make a small film, but thanks to Karan Johar and Dharma Productions that I got the platform to bring in bigger stars and make it at a very, very lavish scale. So how was your experience working with Shahrukh Khan and Ajay Devgan and Amitabh Bachchan, all these big stars? So see, basically, I would again say that it is always a combination. See, आप एक हिट फिल्म बना लो, आप एक सक्सेसफुल फिल्म बना लो, आफ्टर दैट थिंग्स आर इजी फॉर यू, एंड आफ्टर दैट द एक्टर्स कंफर्ट विथ यू आल्सो इज वेरी डिफरेंट. बट अगेन, जिस तरह से मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो शायद क्योंकि वो मेरी स्कूलिंग थी, करण जौहर की स्कूलिंग थी, कि एवरीथिंग वॉज वेरी वेरी डिटेल्ड ऑन पेपर, हाँ. एंड प्लस माई प्रोड्यूसर वॉज करण जौहर, सो थिंग्स डू बिकम इजियर, दैट हैंडलिंग ऑफ द एक्टर्स बिकम इजी. बिकॉज जब आप मल्टी स्टारर बना रहे हो तो यू कैन हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि यार
मेरा डायलॉग ऐसा क्यों है, उसका फुटेज ज्यादा है, उसने हाँ ये सीन ज्यादा मैं उसका है, होता ही है सेट पे। बट वो क्या था, स्क्रिप्ट लेवल पे इट वॉज रिटन विथ सो मच क्लैरिटी हाँ दैट डिड नॉट अराइज. उस तरह के प्रॉब्लम्स मुझे कभी फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि सिस्टम ये था कि आप नरेशन ले लो, एक बार नहीं 5 बार ले लो. एक एक आज भी मैं वही रूल फॉलो करता हूँ एक स्टार के साथ या एक्टर के साथ, कि ये बाउंड स्क्रिप्ट है और ये बाउंड स्क्रिप्ट हम बनाने जा रहे हैं और आपका ये रोल है और ये चीजें आपके लिए पहले से डिस्कस्ड है. हाँ, आपको हाँ ना बोलने से पहले जितने प्रॉब्लम्स है या ट्वीकिंग करना है, आपको रोल में चेंजेस करना है किसी और का कुछ भी, तो हम पहले कर ले. हम सेट पे जाके हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वहां जाके हमें सिर्फ शूट करना है. सो इफ यू हैव एनी बैगेज, लेट्स क्लियर इट आउट इन द बिगिनिंग एंड देन नॉट क्रिएट इश्यूज. क्योंकि स्क्रिप्ट में अगर सेट पे आप जब शूट कर रहे हो और एक चीज को चेंज करना शुरू करो, तो फिर वो शुरू हर चीज चेंज होना शुरू हो लाइक जाती है एंड फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं. अ चेन ऑफ इवेंट्स, एक एक्टर ने कुछ बोला आपने चेंज किया, दूसरा एक्टर बोलेगा उसका चेंज कर दिया, मेरा भी चेंज कर बिल्कुल दो। बिल्कुल. सो दैट कैन नॉट हैपन. सो दैट इज योर कंट्रोल एंड हाउ यू वांट टू कंडक्ट योर डायरेक्टिंग प्रोसेस. बट मेरे लिए अजय देवगन इज स्टिल टुडे माय एब्सोल्यूट फेवरेट, हु इज द मोस्ट प्रोफेशनल स्टार दैट आई वर्क विथ. एंड ही इज नॉट ओनली एन एक्टर, ही इज उस टाइम में जब उन्होंने फिल्में डायरेक्ट नहीं की थी तब से वो एक डायरेक्टर का विजन लेके चलते हैं. तो हाँ उनको आपको ज्यादा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, आपने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया तो ही रियली अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. ही अंडरस्टैंड्स द टोन ऑफ हिज कैरेक्टर, ही अंडरस्टैंड्स, वो कैमरा देख लेते हैं, वो लेंस देख लेते हैं कि कौन सा लेंस लगाया है, तो ही विल नो दैट यार तुमने तो मेरा क्लोजअप लगाया है, तो मतलब बाकी मुझे कॉस्ट्यूम की ये जरूरत नहीं है. हाँ आपने लेंस लगाया, उनके पता है कि बहुत वाइड है, तो वो टचअप नहीं करेंगे, बोलते इतने वाइड में थोड़ी ना मेरा मेकअप दिखने वाला है. सो ही इज अ जीनियस दैट वे. ही टेक्निकली ही इज नो वेरी देते। वेरी इज ब्रिलियंट टेक्निकली. एंड वो एक होता ना बाय द बुक्स, एक होता है कि एक एक्टर का क्या काम है, तो अजय देवगन वर्क्स एज एन एक्टर. मतलब ही गिव्स हिज 100% इन हिज क्राफ्ट एंड नॉट गेट इनटू अदर थिंग्स व्हिच आर नॉट ऑफ हिज, या अननेसेसरी कोई स्ट्रेस नहीं है. सो आई थिंक इट वाज वंडरफुल टू हैव हिम. एंड आई हैड विवेक ओबरॉय हु हैज बीन माय लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड, सो इट आई हैड अ कंफर्ट लेवल विद हिम. आई हैड जॉन इब्राहिम हु इज अ डिफरेंट प्लेजर टू वर्क विद. ही हैज अ ही इज अनबिलीवेबल एज अ प्रोफेशनल एंड एज अ पर्सन. ही इज टू वार्म. सो वी हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद ऑल द एक्टर्स, लारा दत्ता, ईशा डियोल, दे वर लाइक वेरी वेरी इजी टू वर्क विद. सो वो जो उसमें एक आइटम सॉन्ग था जो शाहरुख ने किया था, वो कैसे हुआ फिर? मलाई करोड़ा शाहरुख। हाँ, उस सॉन्ग के ऊपर मतलब ऐसा था कि करण जौहर ने मुझसे कहा कि देखो यार मैं फिल्में बनाता हूँ और टाइटल तो के पे से होता है, इसलिए हमने काल रखा. और दूसरा उनका ये था कि यार मेरी कोई भी फिल्म शाहरुख खान के बगैर तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज ही इज माई लकी मैस्कॉट. एंड फॉर मी एज माई फर्स्ट फिल्म, हैविंग शाहरुख खान सर नेम एज अ को प्रोड्यूसर एंड ही डूइंग एन आइटम सॉन्ग, तो मतलब और चाहिए क्या आदमी को, मतलब ऑब्वियसली और कुछ, मतलब और कुछ चाहिए ही नहीं. बट दैट वाज एंटायरली करण जोहर्स आइडिया, इट वाज टोटली हिज थॉट दैट ऑब्वियसली द फिल्म डजंट हैव सॉन्ग्स, और उस टाइम में बिना सॉन्ग्स की फिल्में भी नहीं बनती थी. म्यूजिक वाज बी वेरी और जैसी इंपॉर्टेंट. फिल्म थी काल, उसमें सॉन्ग इंसर्ट करना ही बहुत मुश्किल था, कहाँ बिल्कुल दिखाओगे। बिल्कुल. तो हाँ, तो मतलब मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो ये भी था कि यार नहीं यार पिक्चर मतलब गड़बड़ हो जाएगी, उसका फ्लो टूट जाएगा, उसको वो हम नहीं सूट करेगा फिल्म को. बट ऑब्वियसली ही एक्सप्लेन मी द पॉजिटिव पॉइंट्स अबाउट इट एंड आई आई सेड ऑफ कोर्स लेट्स डू इट. बट मैंने उसने बोला कि आप विजुअल जो है पूरा सेट है, कॉस्ट्यूम्स है, प्लस गाना भी आप डिसाइड करो किस तरह का होना चाहिए. सो दैट इज वेयर आई वेंट टू सलीम सुलेमान, बिकॉज सलीम सुलेमान उस टाइम पे मतलब दे हैड नॉट येट स्टार्टेड गिविंग म्यूजिक, बट हाँ आई न्यू दैट दे आर ब्रिलियंट. एडवर्टाइजिंग टीचर्स। Yes. So I knew that their talent. So I went up to them because I said they are बहुत लोग हैं जो इस फिल्म में पहली बार, मेरी पहली फिल्म थी, प्लस सलीम सुलेमान का म्यूजिक पहली बार था. एक आध फिल्म उन्होंने शायद साइन की थी पर वो रिलीज नहीं हुई थी, रिलीज काल पहले हुई. और उसके अलावा शब्बीर अहमद जो लिरिक्स राइटर है उनकी भी पहली फिल्म थी. बहुत लोग थे जिनका ये पहला प्रोजेक्ट था. तो दैट्स हाउ आई लाइक वी वेंट एंड वी मेड दिस टाइटल सॉन्ग काल. And that's how everything fell into place.
यस चलिए बहुत बढ़िया पिक्चर थी, मैं तो हॉल में देखी थी इलाहाबाद में, मैं किसी की शादी में गया था, मुझे आज भी याद है। तो ये सेम सिचुएशन एक्चुअली उनके साथ भी हुई थी, यश चोपड़ा के साथ, जब उन्होंने दीवार बनाई थी, एंड गुलशन राय सेड कि अच्छा आप फिल्म में ना एक गाना डालिए क्योंकि फिल्म बेचनी भी है मुझे, एंड ही सेड कि फिल्म में गाना नहीं चाहिए, तभी उसके बाद उन्होंने गाने डालने क्या शुरू किए थे, कह दूं तुम्हें और तुम्हें सोचा मैंने पाया है। सो दैट वाज लाइक दैट। तो फिर उसके बाद आपने मतलब प्लान तो ये किया था कि छोटे बजट की फिल्म बनाऊंगा, फिर उसके बाद आपने बनाई लक, जो कि यस ऑनसेम्बल कास्ट थी जिसमें बहुत सारे एक्टर्स थे, वो कैसे बनाई? अब ये वापस सी समटाइम्स आई फील दैट आई हैव बीन वेरी लकी. ओके यू आर बिकॉज राइट, हाँ शाहरुख खान ओके मिल जी गया ऐसे ही। बिकॉज आप सोचते छोटा हो और बड़ा हो जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है ट्रू, राइट. सो बट मे बी द स्टोरी और द विजन इज कैनवस इज बिग दैट्स वाई जो सामने रिसीव करता है वो उसको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाता है कि नहीं सोम ये आपको छोटा बनाना है पर ये बड़े में मजा आएगा. कहने का मतलब कुछ चीजें होती है जो हम सोचते हैं कि यार ये वेब सीरीज है या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सूट करेगा बट कोई कोई कॉन्सेप्ट या कोई आइडिया या कोई विजुअल ऐसा होता है जो बड़े पर्दे के लिए ही बनाया जाता है. कोई जॉनर ऐसे होते हैं. सो अगेन जब मैंने लक लिखी थी तो लक के टाइम मेरा आइडियल सोच आइडियल कास्टिंग थी कि मैं रितेश देशमुख या उस तरह के किसी एक हीरो के साथ ये फिल्म बनाना चाहता हूँ और एक विलेन में भी मुझे एक अच्छा एक्टर चाहिए बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है. जैसे लक मतलब पूरी फिल्म लक के इर्द गिर्द थी कि कैसे एक अनलक्की लड़के को एक बंदा लकी लड़के को एक अनलक्की बंदा पकड़ता है और कैसे उसको पिच करता है एक बहुत बड़े डॉन किंग पिंग के सामने. तो मैंने सोच लेवल पे उसको बहुत ही ग्राउंडेड और छोटे एक्शन वाली फिल्म के हिसाब से लिखा था माउंटिंग वाइज. बट लकीली अगेन व्हेन आई गॉट दोज प्रोड्यूसर्स कॉल्ड अष्टविनायक एंड दे वर मेकिंग ओनली बिग फिल्म्स जो मल्टी स्टारर्स बड़ी इंडिया फिल्में बनाते थे की मेरे ख्याल गोल. से वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म ब्लू उन्होंने बनाई थी, द यस 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 कॉस्टलेस फिल्म। जी. सो उन्होंने जब यह आइडिया सुना और पूरा नरेशन लिया मेरे से तो उन्होंने बोला यार मतलब दे अगेन लकीली सी मैं यही मानता हूँ कि अ डायरेक्टर वॉट फिल्म ही मेक्स एंड वॉट काइंड ऑफ रिसेप्शन ही गेट्स वॉट काइंड ऑफ स्केल ही गेट्स इज अ लॉट टू डू विथ हिज प्रोड्यूसर बिकॉज द प्रोड्यूसर हैज टू गिव हिम दैट प्लेटफॉर्म कि हम इतने बजट में कर सकते हैं या इतना पैसा इस पे खर्चेंगे तो इसका इम्पैक्ट आएगा. सो बिकॉज ऑफ काल दे रियली लव माई वर्क एंड लक की नरेशन सुन के उन्होंने डिसाइड किया कि सोम छोटे से छोटे किरदार को भी आप इस तरह से कास्ट करो कि ये एक अच्छा माउंटिंग बने और हम इसको एकदम मतलब धूम लेवल पे इंटरनेशनल एक्शन के लेवल पे ही इसको बनाएंगे. सो आई थिंक आई वाज रियली फॉर्चुनेट टू गेट सच पीपल टू वर्क विथ मी. एंड देन यू ऑल्सो लॉन्च श्रुति हसन, हाउ डिड दैट हैपन? जी. सो श्रुति हसन का ऐसा था कि वी हैड अ हीरो कॉल्ड इमरान खान विद आ फिल्म. ओके एंड इमरान वाज वेरी हॉट प्रॉपर्टी एंड ही वाज आमिर खान नेफ्यू एंड जाने तू जाने ना रिलीज हुई ह्यूज थी. हिट। यस इट वाज अ बिग हिट. नाउ द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट इमरान खान दिखने में और पर्सनैलिटी में बहुत ही यंग थे बहुत यानी बच्चे लगते थे एकदम. बच्चे लगते हैं। ही वाज लाइक अ वेरी यंग बॉय एंड ऑल द हीरोइंस एट दैट पॉइंट वुड नॉट ऑब्वियसली मैच हिज पर्सनैलिटी. लाइक यू नो वी हैड यस वी हैड सो मेनी हीरोइंस एट दैट पॉइंट बट वो सारे उन्होंने काम पहले किए हुए थे तो एज वाइज या लुक वाइज स्क्रीन एज वाइज एवरीबडी वुड लुक अ लिटिल ओल्डर टू हिम. सो ये थॉट प्रोसेस शुरू हुआ कि लेट्स टेक अ न्यू गर्ल एंड उस दौरान फिर ये इमरान ने मुझसे डिस्कस किया था कि हम इतने ऑडिशंस कर रहे हैं इतने टैलेंट्स को हम ढूंढ रहे हैं. तो उसने बोला कि यार आई डोंट नो वेदर कमल हसन डॉटर श्रुति हसन वॉन्ट्स टू बी एन एक्टर ऑर नो बट यू कैन ट्राई बिकॉज शी इज गुड. सो ही गेव मी द एक्सेस दैट आप श्रुति को मिलो एंड यू सी अगर वो करती है तो फिर इट विल बी अ ग्रेट थिंग बिकॉज आई नो हर पर्सनली एंड थिंग्स लाइक दैट. सो मैं फिर चेन्नई गया मैं मिला श्रुति हसन को एंड श्रुति हसन सेड दैट देखो आज नहीं तो मे बी 2 years लेटर आई वुड कम इन टू फिल्म बट आई एम नॉट येट रेडी बिकॉज आई वॉज स्टिल लाइक यू नो ट्रेनिंग माई सेल्फ एंड स्टफ लाइक दैट. फिर उसने बोला कि यार देखो तीन तीन लोग अगर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोलेंगे कि आप फिल्म करो तो आई विल से येस और नो अदरवाइज आई एम नॉट श्योर. आई सेड ठीक है यू टेक योर टाइम. उसको स्क्रिप्ट दी नरेशन दिया. सो ऑब्वियसली उसने उसका खुद का डिसीशन उसके फादर ने भी उसे एनकरेज किया एंड दैट्स हाउ श्रुति हसन केम ऑन बोर्ड.
सो दैट्स हाउ वी कास्ट इट आउट। लक के बाद फिर संजय दत्त को भी आपने लिया उसमें। जी, संजय दत्त, संजू संजू सर के साथ मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप था और है आज भी, कि वो एक मतलब एक होता है ना, कभी कभी आपको प्लान नहीं करना पड़ता और वो कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं, जो मैंने संजू सर को भी लक फिल्म कंप्लीट होने के बाद बताया, कि जब मैं, हम पहले की जो बात कर रहे थे पब्लिसिटी डिजाइन की, तो जब मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा था तो मैंने 7 फिल्में संजय दत्त के साथ की थी एज ए एड फिल्म, लाइक एज ए पब्लिसिटी डिजाइनर। मैंने उनके साथ 7 बार फोटोशूट किए थे, फ्रॉम कारतूस टू सफारी टू लाइक चल मेरे भाई एंड सो मेनी फिल्म। मैंने उनकी 7 फिल्मों का पोस्टर डिजाइन किया था, बट वो मेरे को नाम से नहीं जानते थे। ही नेवर न्यू मी दैट, लाइक ही नेवर लुक्ड एट मी, कि अच्छा एक फोटोशूट हो गया होगा कोई लड़का, तो ही ने वो रजिस्टर उनको कभी हुआ नहीं। तो लक पूरी पिक्चर हो गई, और लक के बाद मैंने उसको बोला, मैंने उनको एक फोटो दिखाया अपना बचपन का उनके साथ, मतलब ये क्या है। मैं बोला, सर आपको पता है मैंने आपके साथ लक नहीं, मैंने आपके साथ 8 फिल्में की है और मैं आपके साथ एक्चुअली 10 साल से काम कर रहा हूँ। बोलते ये क्या बोल रहा है। फिर मैंने उनको फ्लैशबैक में ले गया, तो उन्होंने बोला ओ माय गॉड, बोलते यार आई नेवर न्यू दैट यू आर द सेम किड हु इज बिकम अ डायरेक्टर टुडे, एंड ही इज ऑलवेज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, सपोर्टेड मी अ लॉट इवन टिल टुडे। लाइक he's the only actor whom I can say that he's really gone out of his way to support me always. तो लक के बाद फिर आपने क्या डिसाइड किया करने का? उसके बाद मेरे ख्याल से आपने शायद कोई फिल्म नहीं बनाई है, नहीं, एक फिल्म मैंने एक फिल्म बनाई है। बनाई, मैंने एक हाँ, फिल्म बनाई कहाँ पे हम लक के मिलेंगे? बाद। लक के बाद 2012 में हमने एक फिल्म बनाई, जिस फिल्म का टाइटल था शेर। शेर। शेर एक ऐसी फिल्म थी जो मतलब अगर काल और लक आपको स्केल वाइज या विजन वाइज बड़ी लगती है, तो शेर वॉज इवन बिगर देन दैट। इट वॉज अगेन अ मल्टी स्टारर। इट हैड संजय दत्त, इट हैड विवेक कोबरा है। ओबरॉय, इट हैड परेश रावल, इट हैड किरण कुमार, इट हैड लॉट ऑफ पीपल, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन अ गैंगस्टर फ्रॉम गुजरात। एक गुजरात के रियल गैंगस्टर की स्टोरी के ऊपर वो आधारित थे, और हमने पूरी फिल्म कंप्लीट कर ली, और फिल्म मतलब जेन्युइनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मतलब संजय दत्त जब जेल से आए अभी लास्ट टाइम, उस उम्र की उनकी वास्तव जैसी स्ट्रॉन्ग फिल्म बनी थी वो। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे अश्विनय, वो किसी स्टॉक एक्सचेंज और किसी मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसे और उनको जेल जाना पड़ा, और वो फिल्म शेल्व हो गई, उस वजह से वो फिल्म अटक गई। तो वो हाँ फिल्म अटकने से फिर मतलब काफी चीजें ऑफ ट्रैक हो गई, एंड क्योंकि सिंस देन आई स्टार्टेड अगेन डूइंग मोर ऑफ एडवर्टाइजिंग। मैंने कम से कम एक डेढ़ बड़ी साल फिल्म आप जब बनाते हो तो आपके 2 साल जिंदगी के जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो कहीं बिल्कुल ना कहीं एक डिमोटिवेशन आता है। नहीं, मुझे ऐसा हुआ था कि मैं डीमोटिवेट आज तक नहीं हुआ, क्योंकि कुछ इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये कर नहीं टाइमिंग सकते। है, बैड लक है। कि उस वक्त संजय दत्त भी जेल में गए, उस वक्त प्रोड्यूसर्स अश्विन नायक की भी कंपनी बंद होके वो भी जेल में गए। सो सारे सितारे उस तरह से अलाइन लकड़ी हो गए, कि मतलब सब कुछ मतलब ऑब्वियसली क्रैश डाउन हुआ। बट व्हाट आई केप्ट डूइंग वाज आई केप्ट वर्किंग, आई केप्ट मेकिंग न्यू नो, स्क्रिप्ट्स। आई एम वन ऑफ दोस लकी गाइस जिसने शेर देखी है। मतलब एटलीस्ट 20 मिनट की तो देखी है जब मैं मिला था जी आपसे। हाँ, जी जी फिर जी आप जी एडवर्टाइजिंग में चले गए। सो मैंने एक्चुअली कोशिश ये की कि यार देखो, मैंने फिल्में अच्छी बनाई है, अच्छे लोगों के साथ बनाई है, तो आगे भी वो मेंटेन हो, और मतलब जब भी कम बैक करे, जब भी वापस एक फिल्म लेके आए तो उसी स्टैंडर्ड की फिल्म लेके आए जो आज तक हम बनाते रहे। तो वो प्रोसेस तो नेवर एंडिंग है। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी काफी वेब सीरीज के भी मतलब 2-3 प्रोजेक्ट ऑन है, जिसके ऊपर मतलब ग्रीन लाइट होना बस उसकी वेटिंग चल रही है, कि अमेजोन में पिस्ट है, एक एमएक्स प्लेयर में है, सो स्टफ लाइक दैट। सो ऑलवेज बीन अभी बिजी। आपकी कोई बट सीरीज आ रही है ना, कोई सीरीज कोई आ रही है जो आपने प्रोड्यूस की है कहीं, तो आपका नाम मैंने देखा था। बेसिकली नहीं, मैंने एक वेब सीरीज बनाई थी Z5 के लिए, जिसका नाम था फिक्सर। लास्ट ईयर वो रिलीज हुई थी, उसमें शब्बीर अल्लू आलिया और सारे कैरेक्टर्स थे। और अभी जो मैं कर रहा हूँ वो अभी इस साल शुरू होने में है, इट्स ऑन द वे। एंड अदरवाइज ऑब्वियसली आई कीप डूइंग द एडवर्टाइजिंग वर्क एंड द पिचिंग एडवर्टाइजिंग इन द थिंग। सेंस यू डायरेक्ट एड फिल्म्स। यस, आई प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट, प्रोड्यूस आपका एंड डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस कौन सा है? हिंदी पिक्चर, इट्स कॉल्ड हिंदी पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड। क्या बढ़िया नाम है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता था, जो कंफ्यूजन अक्सर जिन जहां पे मैं पढ़ाता हूँ वहां बच्चों को रहता है कि इस चीज के ऊपर यूट्यूब पे भी कोई वीडियोस है नहीं,
और वो जी ये है कि जब आप नरेशन देते हैं किसी प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को नरेशन देते हैं, तो उसमें नरेशन में क्या बताया जाता है? मतलब आप स्टोरी बताते हो, या फिर आप स्क्रीन पे पढ़ देते हो, या फिर इवेंट्स बताते हो एक के बाद एक? क्योंकि जैसे मैंने वो उनका देखा है, अनीस बज्मी जी, वो तो टेबल पे चढ़ जाते हैं, मतलब पूरा एकदम दरवाजा भी खुलेगा तो आ करके दरवाजा होगा। सो हाउ टू गिव द नरेशन, कैन यू गिव फ्यू टिप्स अबाउट इट? सी आई वुड पुट इट एज दिस दैट हमारी जो लाइन है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ठीक है एक्टर के लिए मान लो कि कहा जाता है कि यार बॉस आप अपना ऑडिशन दे दो ठीक हाँ है। अब जब एक्टर ऑडिशन देता है हाँ चाहे वो कितना भी फंटेस्टिक एक्टर हो चाहे वो कितना भी बुरा एक्टर हो लेकिन अगर ऑडिशन उसका अच्छा हो गया और उस ऑडिशन को देख के किसी ने उसको कास्ट कर लिया तो उसे रोल मिल सकता है। हाँ सो इट इज दैट इम्पोर्टेंट राइट। एक होता है कि यार अरे यार मुझे ऑडिशन में जाना है आज मेरा मूड नहीं है मैंने ढीला ढाला ऑडिशन दे दिया है तो हाँ आपको रोल शायद नहीं मिलेगा बट दैट ऑडिशन कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ True. लाइक दैट इन आर फील्ड ऑफ वर्क नरेशन इज एवरीथिंग। इफ योर नरेशन इज गुड आपको शायद ग्रीन लाइट मिल सकता है और हाँ, आपने कितनी भी माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट क्यों ना लिखी हो आप पर अगर नरेशन आपको नहीं कर नरेशन देना नहीं आता या नरेशन आपका वीक है तो पाए। आपका अच्छे से अच्छा थॉट अच्छे से अच्छी स्क्रिप्ट भी डब्बे में रह जाएगी। सो नरेशन इज दैट इम्पोर्टेंट। हाँ नाउ कम्स टू सामने वाला सुनने वाला किस किस टाइप का है आपका नरेशन वैसा होना बहुत जरूरी है। हाँ और ये चीज ऐसी है कि ये क्राफ्ट मुझे लगता है कि एक बार में या एक महीने में आप पिकअप नहीं कर सकते हो या आपको एक्सपीरियंस के साथ आपका बेटर होते जाता है। बट हाँ नरेशन के दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो शायद कोई अपकमिंग फिल्म मेकर्स और राइटर्स सुनेंगे तो उनको बहुत हेल्प होगा कि बॉस नरेशन समटाइम्स इज सामने वाला आपको उस पे से जज करता है। एक आपका थॉट आपकी क्लैरिटी कितनी क्लियर है आपकी आपका विजन कितना क्लियर है। दूसरा आपको वो जज कर रहा है कि क्या आप इस सब्जेक्ट के साथ जी रहे हो दिन रात ये कि आप इसमें कितना घुसे हुए हो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस फिल्म और द स्टोरी टू यू दैट इज ऑल्सो जज फ्रॉम योर नरेशन। देखिए कॉरपोरेट वर्ल्ड अभी जो है उसमें उस तरह के भी नरेशंस ओके है और अलाउड है या अप्रूव्ड है जहां पे इंसान लैपटॉप पे पढ़ के पूरा पूरा पढ़ नरेशन देता देता है है। ठीक है। सो दैट इज मच इजियर फॉर अ राइटर बिकॉज उसे पढ़ पढ़ के सुनाना है लेकिन हो सकता है कि अगर वो बोरिंग है तो हाँ सामने वाले को नींद आ जाती है 99% क्योंकि नरेशन नरेशन सुनना एक बहुत ही टैक्सिंग काम ठीक हाँ है। ये कॉन्सेंट्रेट करना सामने वाले को पकड़ के रखना तो हाँ नरेशन इज लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडियन के स्टैंड अप कॉमेडियन को आपको पकड़ के रखना है 20 मिनट 25 मिनट वैसे नरेशन में आपको सामने वाले का इंटरेस्ट पकड़ के रखना है सो दैट ही इज विथ यू सिंस द बिगिनिंग। एंड आपकी स्टोरी देखिए स्टोरी सुनने के बाद उसमें फ्लॉज निकालना अलग बात है हाँ उसमें पसंद आना ना पसंद आना वो बात की बात है लेकिन वो थोड़ी सुन लेना। 1 घंटा आप उस आदमी को पकड़ एटलीस्ट सुनने के लिए जकड़ के रखो वो आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हाँ आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ वेरी गुड नरेशन एंड देर आर राइटर्स एंड देर आर डायरेक्टर्स हु आर फैंटास्टिक नरेटर्स दैट्स व्हाई दे हैव बिकम डायरेक्टर्स हाँ ओके। उनके पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी है कि उनके पास लिखा हुआ मटेरियल शायद कुछ भी ना हो स्क्रिप्ट उनकी ब्लैंक हो पर हाँ बोलने में और सुनाने में दे आर फैंटास्टिक। तो ऐसे भी लोग हैं बट नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन हैज टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। और अगर आपने नरेशन अच्छा देने की कैपेसिटी ऐसी एंड ऑफ द डे यू आर अ स्टोरी टेलर तो यार आपको स्टोरी सुनाना आना आना चाहिए, ही चाहिए। भले वो फिल्मों में हो, किताबों के थ्रू हो, या मुंह के थ्रू हो, आपको कहानी सुनाना आना चाहिए। सो ओके एंड कमिंग बैक टू योर बेसिक क्वेश्चन दैट नरेशन में क्या होना चाहिए हाँ तो सर उसमें ऐसा है क्षितिज के आपको सामने वाले ने वक्त कितना दिया है यू हैव टू बी रेडी विद दैट बिकॉज मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैंने कार लिखी थी मुझे नरेशन देना आता नहीं था क्योंकि मैंने किसी को दिया नहीं था हाँ और मेरी स्कूलिंग या मेरे प्रोड्यूसर भी करण जोहर एंड ऑल दे यूज टू रीड स्क्रिप्ट्स व्हिच इज अ वेरी वेरी बून फॉर राइटर्स लाइक अस और डायरेक्टर्स लाइक अस के यार मैंने लिखा मेहनत से आप पढ़ लो ताकि आपको पूरा दिख जाए लेकिन 99% लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है तो वो हाँ नरेशन सुनना चाहते हैं। हाँ अब नरेशन जब मैं देना चाहता था काल की तो मैंने मैंने प्रिपरेशन की थी 1.5-2 घंटे की कि मैं ऐसे सुनाऊंगा फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा मतलब पूरा एक
माहौल क्रिएट करके, ताकि सामने वाले को समझ में आए कि मैं उसे बनाना कॉर्बेट कैसे। पार्क ले जा रहा हूँ, जंगल ले जा रहा हूँ, उसको इम्पैक्ट समझ में आए, वो सारी चीज है। हाँ मुझे नरेशन देना सिखाया अजय देवगन ने, तो हाँ हाँ, और वो भी बिना सिखाए। उसका रीजन ये था कि मैं गया था 2 घंटे की तैयारी के साथ, हाँ और मुझे ऐसा था कि या तो मैं यहां से शुरू करूंगा और मैं यहां खत्म करूंगा, मुझे ऐसा ही आता है भाई, मुझे और कुछ आता नहीं है। हाँ अब मैं गया ये सोच के कि अजय देवगन सर मुझे टाइम देंगे, उन्होंने सिगरेट जलाई, बातचीत की 2 मिनट और उन्होंने बोला शुरू कर। हाँ तो मैं शुरू करने वाला था अपना 2 घंटे का नरेशन, और उन्होंने बोला कि सोम मुझे 20 मिनट में सुना दे। हाँ तो मुझे एकदम झटका लगा कि अब मैं अचानक 2 घंटे की स्क्रिप्ट मैं 20 मिनट में कैसे सुनाऊंगा। मुझे हाँ बहुत ही मतलब मेरा हार्ट अटैक हो गया कि यार इसके लिए तो मैं तैयार ही नहीं हूं। हाँ पर मैंने उस पॉइंट पे जिस तरह से 20 मिनट में उसको ढांचा को बिठाया, विद विद द एम्बियंस, विद द इम्पैक्ट, विद कमिंग टू दैट पॉइंट, क्या आपका इंट्रोडक्शन जब आता है तब क्या होता है, टू द कल्मिनेशन, तो 2 घंटे की चीज मैंने 20 मिनट में कैसे सजाई। हाँ। और इस यहाँ प्रेजेंस एक्सरसाइज, ऑफ माइंड चाहिए कि आप कौन सी चीजें निकालो कौन सी चीजें रखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उससे मुझे सीखने मिल गया कि अब मैं जब संजय दत्त को अगर मैं सुना रहा हूं तो उसका टाइम स्पेंड मुझे पता है कि ये तो मैं 10 मिनट से ऊपर इसको नहीं पकड़ पाऊंगा, अजय देवगन को 20 मिनट, संजय दत्त को 10 मिनट। वैसे हर एक्टर को आपको समझना पड़ेगा कि इसका थॉट प्रोसेस कितना डिटेल में जाने का है। हाँ हाँ, सो नाइन सो फॉर द न्यू कमर्स इट इज समथिंग लाइक दिस, कि आप पहली बार में एटलीस्ट 20-25 मिनट या 15-20 मिनट में एक ऐसा इम्पैक्टफुल नरेशन दो कि हाँ सामने वाला आपको बोले कि एक काम कर, अगले हफ्ते मैं आपको पूरा 2 घंटा देता हूं, आप मुझे पूरा स्क्रिप्ट सुनाओ। पूरा स्क्रिप्ट सुनाओ। क्योंकि पहली बार में अगर आप 2 घंटे की सुनाने जाते हो तो हो सकता है कि सामने वाला बोर हो जाए और वो आपको दूसरी बार मौका ही ना दे मिलने का। हाँ सो यू नीड टू प्रिपेयर लाइक देर शुड बी टू नरेशंस। द फर्स्ट नरेशन डेफिनेटली रिक्वायर्स के वन, ये क्या जॉनर है, टू इसमें क्या यूएसपी है, इसका रीजन, इसकी लोकेशन, इसके कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स की क्लैरिटी और ग्राफ क्या है इस पिक्चर का, और ऐसी क्या फ्लेवर है इस पिक्चर में कि सामने वाला बोले कि यार मुझे 2 घंटे का नरेशन सुनना है या मुझे पढ़ना है। सो आई थिंक दैट क्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डेवलप एंड इट डजेंट कम नेचुरली। अगर नेचुरली आप आपने स्क्रिप्ट होल्ड नहीं करते हो हाथ में, मतलब ऐसे ही गए। सो आई टेल यू, नोट मेड पॉइंटर्स। सो द वे आई वर्क इज दैट बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव लॉट ऑफ मटीरियल रेडी, लाइक मेरे पास एक स्क्रिप्ट नहीं है, मान लो मैंने 5, 6, 7 स्क्रिप्ट रेडी की हुई है। सो हाँ देर आर 3-4 स्क्रिप्ट विच आई डोंट रिक्वायर टू इवन रीड अ वर्ड एंड आई कैन नरेट यू 2 hours वर्क विद एवरी सीन एंड डायलॉग, बिकॉज दैट इज मोर इन सो माई मच ऑन ब्लड, इट। इट्स प्लस इट्स मोर इन माई ब्लड, मतलब मुझे वो फिल्मों का पैशन है, मैं पागल हूँ, मतलब कल मैं शुरू करना चाहता हूँ वो फिल्में। हाँ और ऐसी 2-3 फिल्में या 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं विच रिक्वायर अ मोर टेक्निकल नरेशन, विच हाँ रिक्वायर एक एक डायलॉग पढ़ के, क्योंकि डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दो स्क्रिप्ट्स यू नीड टू रिफर टू एज योर लैपटॉप और आईपैड। सो हाँ इट डिपेंड्स, इट्स रियली डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट फॉर स्क्रिप्ट्स। एवरी डायरेक्टर, फॉर एवरी राइटर। अच्छा सो दैट्स व्हाई आई सेड हाउ इन्वॉल्व्ड यू आर। एक लोग ये बहुत जानते हैं डायरेक्टर कैसे बनना है, डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, सेट पे क्या करना चाहिए। मैं ऐसी कुछ चीजें जानना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंसेस से कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां लोग करते हैं, या आपने स्ट्रगलर्स को करते देखा है या असिस्टेंट्स को करते देखा है कि ये नहीं करोगे तो देर आर मोर चांसेस ऑफ यू बिकमिंग डायरेक्टर। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा गुरु तो हूँ नहीं, ना तो मैंने कोई इतना बड़ा सक्सेस देखा है कि मैं लोगों को बहुत सारी टिप्स दे सकूं या सिखा सकूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो फॉलो किया है वो आज भी मैं वही फॉलो करता हूँ और न्यू कमर्स को भी वही फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, मेक योर ओन निश और मेक योर ओन जॉनर और मेक योर ओन, यू सी वेर यू बिलोंग टू। पहले आप फिल्म मेकर इसलिए बनो कि आपके पास ऐसा कुछ बोलने के लिए या ऐसी कोई फिल्म या स्टोरी है जो आप दूसरों से हट के बता पाओगे। ठीक है, आपके इंटेंशन क्या है डायरेक्टर बनने के, सिर्फ पैसे कमाने के है या ग्लैमर की वजह से आप आ रहे हो, तो आप इस लाइन में आओ ही मत, क्योंकि ग्लैमर तो है ही नहीं इसमें, हाँ मतलब मेहनत ही बहुत ज्यादा है। ओके ग्लैमर मिलेगा तो सो 10 साल व्हाट, बाद, 10 साल स्ट्रगल तो बहुत है। हाँ मतलब मैंने जो रास्ते लिए हैं मैं वही रास्ते इनको भी लोगों को बताऊंगा कि यार देखो, चमचागिरी करने से
या किसी एक्टर के या किसी के एकदम मतलब वो कैंप में घुस के, हाँ आपका काम बनेगा, दूसरों से फास्ट बनेगा, लेकिन हो सकता है वो टेम्पररी हो, एक आध बार बन जाएगा, पर वहां पे आप अपने आप को बेच के भी मत पिक्चर बनाओ, क्योंकि पिक्चर आपकी होनी चाहिए। देखिए मेरा बहुत क्लियर है कि अगर काल फिल्म अच्छी थी या उसकी तारीफ हुई तो थैंक यू सो मच, इट्स अ टीम वर्क, बहुत लोगों ने काम किया, मेरा नाम था उसपे। और लक, मेरी फेवरेट फिल्म है, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, लेकिन लक फ्लॉप हुई थी। लक इज नॉट अ सक्सेसफुल फिल्म, इट्स अ फ्लॉप फिल्म, बट देयर ऑल्सो इट्स माई नेम एंड आई शुड टेक द ओनर्स दैट मैं, अगर कुछ सही था तो टीम वर्क था, नहीं था तो मैंने गलती की है, मैं अगली बार अच्छी फिल्म बनाऊंगा, या मेरी जो भी मिस्टेक है। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी फिल्म मेकर बनना चाहता है उसे अपने काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, क्योंकि इस फील्ड में पैसे बहुत लगते हैं, और आपको हर फिल्म को अपना बना के बनाना है कि आप क्या बोलना चाहते हो, आप आपकी फिल्म मेकर की छाप होनी चाहिए। सो व्हाट आई मीन इज दैट गलतियां ये नहीं करनी चाहिए कि एक के डेस्परेशन में किसी कुछ भी भी बना के दे। साथ भी काम कर लो। दो के अगर आपको एक कहानी बतानी है या उस जॉनर की फिल्म बनानी है जिसमें आप अच्छे हो, तो आप कुछ भी उठा के बना मत लो, क्योंकि कोई आपको दे रहा है। अगर आपको, आप थ्रिलर या सस्पेंस या एक्शन फिल्म बनाना चाहते हो और कोई आपको रोमांटिक कॉमेडी दे रहा है इसलिए आपने बना दी, ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वही आपका पोर्टफोलियो है। तो तो आई थिंक वन हैज टू मेक व्हाट वन बिलीव्स इन, एंड वन हैज टू वेट, वन हैज टू बी पेशेंट, एंड वन शुड नॉट बी डेस्परेट टू जस्ट फिट इन टू द इंडस्ट्री, क्योंकि 99% लोग सिर्फ इंडस्ट्री में सर्वाइव होने के लिए या आने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। ये सारे क्लॉज वर्क नहीं होते, वो शॉर्ट टर्म क्लॉजेस है। अब आपके आगे के प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स, फिल्म तो सीरीज, बेसिकली ओटीटी? बिकॉज मुझे ऐसा लगता नहीं, है कि लक जो पिक्चर थी, शायद अभी आप रिलीज करते हो उसको, ओटीटी का जो माहौल हो गया वो थोड़ा सा वेस्टनाइज कॉन्सेप्ट था, तो ज्यादा हिट हो जाती है इस टाइम पे, वर्क करती है यूथ के साथ। आई थिंक वो काल और लक दोनों के साथ मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ऑब्वियसली वो थोड़े अहेड ऑफ इट्स टाइम कॉन्सेप्ट थे। सो इफ यू आस्क मी, मैंने लॉकडाउन तो अभी हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 साल में मैंने अपने आप को ज्यादा फोकस किया है एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैंने इतना कंटेंट रेडी करके रखा है, बिकॉज मैं एक ही चीज बिलीव करता हूँ कि अगर वो पेपर पे लिखा गया है, पेपर पे बाउंड स्क्रिप्ट है, तब वो जाके बनेगी। सो व्हाट आई डू इज आई डोंट वर्क ओनली ऑन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, आई राइट एंड आई मेक श्योर दैट आई हैव एवरीथिंग रेडी टू द एंड, चाहे इसके ऊपर प्रोड्यूसर है नहीं है, एक्टर है नहीं है, वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड एंड राइट द एंटायर मटेरियल सो दैट व्हेन समबडी अप्रूव्स इट यू कैन जस्ट गो ऑन द फ्लोर एंड नॉट वेस्ट टाइम अनदर 6 months और 8 months टू राइट इट। हाँ सर, अभी तो मेरे पास कहानी सोची हुई है, मैं लिख के 6 महीने बाद आता हूँ आपके पास। हाँ मतलब अगर आप यंगर जनरेशन को या नए लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहते भी है तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट डोंट वेट फॉर समबडी टू अप्रूव योर आइडिया एंड फंड इट, डोंट वेट फॉर समबडी टू फंड इट के यार तो मैं 6 महीने लिखने में डालू, कुछ नहीं, ये सब सपने हैं, कोई नहीं करता है, तो आपको खुद ही को उस पर आपके मेहनत सपने करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें पूरा आप ही को करने। उसको ऊपर तक ले जाना है, कोई आपको मदद करने नहीं आएगा, कोई आपको बीच में फाइनेंस करने नहीं आएगा, आपको पूरी तरह से तैयारी खुद करनी है। एक सो दिस ईयर लॉट ऑफ प्लान्स, डेफिनेटली इफ इफ पॉसिबल अ बिग नाइस बिग प्लेटफॉर्म, वेब सीरीज और अ फिल्म फॉर श्योर, सो दैट डेफिनेटली इज अ फोकस। चलिए, बहुत अच्छा है, देखने को मिलेगा। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, आपने राइटिंग की बात की, राइटिंग का तो आपको एक्सपीरियंस था नहीं, तो काल आपने पहली फिल्म लिखी, सो कैसे मतलब वो एकदम से लिखना शुरू कर दिया, या यू गॉट मेट सम राइटर्स और रेड सम बुक्स अबाउट इट, और हाउ डू यू स्टार्ट दैट प्रोसेस? आई एक्चुअली या दैट आई हैव नेवर आस्क्ड माइसेल्फ एंड अंदर से लिखता है तो आई नेवर थॉट दैट व्हाई आई स्टार्टेड राइटिंग, बट आई विल डेफिनेटली गिव द क्रेडिट टू करण जौहर, आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज करण जौहर बीइंग सच अ यंग डायरेक्टर एंड वी वर्क विद हिम, मैंने उनके साथ उस टाइम पे जो काम किया तो उन्होंने कुछ कुछ होता है लिखी थी, उन्होंने कभी खुशी कभी गम लिखा था, तो उनके साथ काम करके ये एक नेचुरल स्कूलिंग हो गई थी कि आपको अगर फिल्म बनानी है तो आपको खुद लिखनी है, खुद लिखनी है, मतलब यू नो वो नो उस टाइम पे, ऑल्टरनेटिव हाँ था। मतलब उस टाइम पे ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था कि
अच्छा सोहम, देखो फिल्म बनानी है तो मैं तेको एक राइटर देता हूँ, वो बात ही नहीं हुई कभी। तो यू नो बाय डिफॉल्ट व्हाट हैपेंड वाज, मैंने लिखना शुरू किया और मैंने ऐसे लिखा था कि एक पॉइंट पे जब जब अगर कोई प्रोड्यूसर उसको हाँ करेगा हाँ तब हम कोई अच्छे राइटर को लेंगे ताकि वो इसको और बढ़िया तरीके से फिनिश कर दे या हाँ इसको और मजबूत बना दे। हाँ पर काल के टाइम हुआ ये था कि मैंने 7वां ड्राफ्ट लिखा, 8वां लिखा, होते होते मतलब 12-13 ड्राफ्ट हो गए थे हाँ और मेरे प्रोड्यूसर ने ही मुझे कहा कि ये तुम्हारा फाइनल ड्राफ्ट है, नाउ यू आर रेडी टू शूट। सो हाँ मुझे ग्रीन लाइट मिल गया था कि ओके दिस इज द फाइनल ड्राफ्ट और मैं मतलब राइटर जबरदस्ती बन गया। इट वाज नॉट प्लान एंड सपोज दैट आई एटलीस्ट वॉट एवर केम टू माई विजन आई कुड राइट इट। सो आई हैव प्रैक्टिस द लाइक आर्ट क्राफ्ट टिल टूडे। बट आई डू बिलीव दैट आई वुड ऑलवेज लव टू कोलैबोरेट विद अ राइटर, ओके, हु कैन, हु नोज द राइटिंग पोर्शन बेटर देन मी बिकॉज आई एम टेक्निकली अ डायरेक्टर। सो आई ऑलवेज राइट इट टू कोलैबोरेट विद सम अदर राइटर, सो लाइक यू राइट द दैट फर्स्ट देन ड्राफ्ट और बिकम, समथिंग, और नोट्स और समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू बट बाय डिफॉल्ट ये फिल्में मेरी खुद की लिखी हुई हो बट गई। एज अ डायरेक्टर मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू मेक योर फिल्म यू डू नॉट हैव एनीवन एल्स, यू कैन नॉट रिलाई कि मैं राइटर हायर कर पाऊंगा. इफ यू वांट टू या राइट, जस्ट देखो राइट. हाँ मतलब वो लग्जरीज नहीं है हम ना सबके ना पास, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखो ये पैशनेट फील्ड है। तो आपको जितना अगर पैशन है कि मुझे 3 महीने में 6 महीने में इस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, तो हाँ आपको राइटर भी फिर ऐसा चाहिए जो आपके साथ डेडिकेटेड हो। छह महीना ऐसा में नहीं हो कि राइटर भी ऐसे ना जुड़े कि यार मेरा चेक आएगा तो मैं लिखूंगा, चेक नहीं आया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा पेमेंट नहीं आया तो ये मेरा मूड नहीं कर रहा है। यू नो दोज थिंग्स विल ओनली डी अलाइन योर प्रोजेक्ट। सो इधर यू गेट लाइक माइंडेड पीपल हु आर रियली हार्ड वर्किंग विथ यू, और इफ यू कैन राइट यू गिव इट अ शॉट। चलिए सोहम शाह जी, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इट वॉज रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू. और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैं लोगों से नहीं पूछ पाता हूँ, जैसे नरेशन को लेके या डायरेक्शन को लेके, वो भी मैंने आपसे पूछे, जो आपने क्लियर किया बहुत अच्छे तरीके से. विश यू ऑल द लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर थिंग्स. मैं आऊंगा थैंक यू मुंबई, सो मच, मिलूंगा आपसे और प्लीज डू, मिलते हैं हम लोग. एंड इट वॉज ओके, रियली नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक्स सेम फॉर है, योर थैंक टाइम. यू सो मच, गुड लक, ओके, बाय बाय.